टुडे आज अपन बात करने जा रहे हैं बकरी की नस्लों के बाद में भेड़ की नस्लें। तो भेड़ की नस्लों में अपन सामान्य विशेषताओं के बारे में हैं कि जो सामान्य इनके जो पॉइंट्स हैं, इनके उत्पत्ति स्थल के बारे में, वितरण के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में और इनकी उपयोगिता के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो देखिये, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि भेड़ का जो जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, कि ZL क्या है। तो जो भेड़ का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है ओविस एरिस है। फैमिली की बात करें तो वही बोविडी रहेगी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अपन बात करें तो 54 रहेंगे, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या भेड़ में 54 है। गाय में हमने 60 पढ़ा था, बकरी में 60 पढ़ा था, भैंस में 48 या 50 पढ़े थे। इसके बाद में अपन बात करें भेड़ की तो विश्व में भेड़ की 200 नस्लें पाई जाती है और हमारे भारत में 42 और राजस्थान में 8 नस्लें पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़े ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ की नस्लें जो भेड़ पाई जाती है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में और सबसे कम धौलपुर जिले में पाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले इसका जंतु वैज्ञानिक नाम यानी कि जो जूलॉजिकल नेम होगा वो होगा ओविस एरिस। फैमिली की बात करें तो बोविडी रहेगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो 54 रहेंगे। विश्व में भेड़ की 200 नस्लें पाई जाती है। देखिए, विश्व में 200 नस्लें हैं तो हमारे भारत में कितनी होगी, विश्व में 200 होगी तो भारत में कितनी बताइए कि 42 नस्लें पाई जाती है। और अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 8 नस्लें पाई जाती हैं। ठीक है, 8 ही नस्लें राजस्थान में, बकरी की भी 8 नस्लें ही पाई जाती है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट होगा वो होगा कि ठीक है, 42 नस्लें हैं और राजस्थान में 8 नस्लें पाई जाती है। राइट नामक वैज्ञानिक ने 1954 में भेड़ की नस्लों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है। राजस्थान में भेड़ों की कुल संख्या 9.08 मिलियन पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशुधन कौन सा था, बकरी था। तो भेड़ की यहां पर संख्या कितनी है, 9.08 मिलियन है। जबकि अपन बकरी की बात करें कि राजस्थान में बकरियों की कितनी संख्या पाई जाती है तो वो थी 21.66 मिलियन था, 21.66 मिलियन थी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें भारत में पाई जाने वाली चोकला नस्ल से सर्वोत्तम गलीचा ऊन प्राप्त होती है, यानी कि जो चोकला नस्ल है वो शेखावाटी की है। शेखावाटी यानी कि चूरू झुंझुनू सीकर जिले में ज्यादा पाई जाती है। इसे शेखावाटी में छापर के नाम से भी जानते हैं। इससे महीन और उच्च क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। इससे क्या बनाए जाते हैं, गलीचा ऊन प्राप्त होती है, यानी कि जो सर्दियों में पहनने के जो कपड़े है, स्वेटर है, कंबल है, जो है ना कैप्स वगैरह बनाई जाती है। इसके बाद में भारत की अधिकांश भेड़ों की ऊन से नमदे और गलीचे बनाए जाते हैं, यानी कि नमदे और गलीचे की अपन बात करें तो ये कारपेट्स वगैरह कपड़े है ना, सर्दियों के दरिया वगैरह बनाई जाती है। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ की ऊन को यूरोपियन देशों में क्या कहा गया है, जोरिया कहा गया है। थोड़ा सा ध्यान रखना, मारवाड़ी जो नस्ल है ये राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली है, सर्वाधिक मारवाड़ी नस्ल के पशु ही पाले जाते हैं और इस नस्ल की ऊन को यूरोपियन देशों में किस नाम से जानते हैं, जोरिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अपन बात करें कि विश्व में जो प्रथम जो क्लोन किस पशु का तैयार होता है, किसका तैयार हुआ था, तो सबसे पहले जो क्लोन तैयार किया गया था वो डोली भेड़ का तैयार किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य पॉइंट है, बड़े बड़े कॉम्पिटिशनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो डोली भेड़ का तैयार किया गया था। अब पूछते हैं कि डोली भेड़ का क्लोन किसने तैयार किया था, इयान विलमुट ने तैयार किया था। कब किया था, 1996 में किया था। जो ये डोली जो भेड़ थी ये मादा भेड़ थी, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, ये कैसी भेड़ थी, मादा भेड़ थी। और डोली 14 फरवरी 2003 को मर गई थी, यानी कि 14 फरवरी 2003 में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 1996 में इसको तैयार किया गया और तैयार करने वाला वैज्ञानिक कौन था, यानी विलमुट था। तो सबसे पहले किस पशु का क्लोन तैयार किया गया था, भेड़ का, और उसका क्या नाम था, डोली भेड़ थी। इसके बाद में अपन बात करें कि भेड़ की नस्लें, तो भेड़ की नस्लों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक तो देशी नस्लें यानी कि भारतीय नस्लें और एक विदेशी नस्लें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन सी देशी नस्लें हैं, जैसे चोकला है, लोही है, मगरा है, जैसलमेरी है, नेलोरी है, मारवाड़ी है, मालपुरा है, सोनाड़ी है, डेकानी है, गद्दी है। गद्दी जो भेड़ है उसका दूसरा नाम भादरवा है, जो भी कोटा एग्रीकल्चर वाले सुपरवाइजर के पेपर में भी पूछा गया था। उसके बाद में अपन बात करें भेड़ की विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लों में मेरिनो है, कराकुल है,
और एम्बुलेट नस्ल है। सबसे पहले आती है मारवाड़ी नस्ल। तो देखिए उत्पत्ति स्थल की बात करिए तो राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र, यानी कि राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है इसमें पाली, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर और सिरोही जैसे जिले शामिल हैं। तो ये इसका उत्पत्ति स्थल माना गया है और यहां पर इस नस्ल के पशु सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशु इसी नस्ल के पाए जाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन सी नस्ल के पाए जाते हैं, मारवाड़ी नस्ल के पाए जाते हैं, क्योंकि इस नस्ल में अन्य पशुओं की अपेक्षा रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और रेवड़ जो होता है यानी इनका जो झुंड, जो पिछली बार आपके जेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भेड़ों का झुंड क्या कहलाता है, तो भेड़ों का झुंड क्या कहलाता है, पिछली बार ही आपके जेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भेड़ों का और मुर्गियों का जो झुंड होता है वो क्या कहलाता है, फ्लॉक कहलाता है। फ्लॉक का मतलब क्या है, झुंड है, यानी कि ग्रुप की अपन बात कर रहे हैं, समूह की अपन बात कर रहे हैं जहां पर बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारे पशु। तो यानी कि रेवड़ हम कह सकते हैं, तो रेवड़ में जीवित रहने की जो दर है इस बेड की वो अन्य पशुओं की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें रोग और बीमारी से लड़ने के प्रतिरोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। इस वजह से हमारे राजस्थान में कौन सी नस्ल के पशु सर्वाधिक पाए जाते हैं, मारवाड़ी नस्ल के पशु सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसे निष्क्रमण वेट भी कहते हैं। आगे अपन चलते हैं, ये रेगिस्तानी में पहाड़ी क्षेत्र है तो उपयुक्त है, यानी कि इसको रेगिस्तानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में हम इसको आसानी से पाल सकते हैं। बेड की सुगठित और मध्यम शरीर वाली नस्ल है। चेहरा काला होता है इसका, द्विप्रयोजनी नस्ल है, यानी कि मांस और ऊन उत्पादन के लिए इसको पाला जाता है। तो द्विप्रयोजनी नस्ल है, बेड की फुर्तीली नस्ल है और लंबा सफर तय करने वाली नस्ल है। फुर्तीली भी है और काफी लंबा सफर तय कर लेती है, यानी कि थकान नहीं महसूस होने देती, और यह सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली भेड़ की नस्ल है। थोड़ा ध्यान रखना, भेड़ की अन्य नस्लों के मुकाबले इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। आगे पर बात करें तो पड़ोसी राज्यों में गमन, इसीलिए इसको निष्क्रमण भेड़ कहा गया है, यानी कि राजस्थान में अगर हमारे राजस्थान में अकाल पड़ गए तो अकाल के समय चारा की समस्या उत्पन्न होगी, तो अकाल के समय ये पड़ोसी राज्यों में गमन करने लग जाते हैं। यानी गमन का मतलब ये है कि जो इनके जो बेड पालक हैं वो क्या करते हैं, इन्हें चराने के लिए दूसरे राज्यों में ले जाते हैं। तो हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, हमारे राजस्थान के पांच राज्य पड़ोसी राज्य हैं। कितने राज्य, पांच हैं, वो कौन कौन से हैं, यूपी है, एमपी है, हरियाणा है, पंजाब है और गुजरात। ये राजस्थान के पांच पड़ोसी राज्य हैं। तो इस बेड को चराने के लिए पशुपालक दूसरे राज्यों में गमन करते हैं, इसलिए इस बेड को क्या कहा गया है, निष्क्रमण बेड कहा गया है। ये अकाल के समय इनको दूसरे राज्यों में निष्क्रमण करते हैं। तो ध्यान रखना, भेड़ की किस नस्ल को निष्क्रमण भेड़ के नाम से भी जानते हैं, तो वो कौन सी होगी, मारवाड़ी नस्ल की होगी, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली है, फुर्तीली है, लंबा सफर तय करने वाली है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु इसी नस्ल के पाए जाते हैं, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें पाई जाती है। वर्षा ऋतु के बाद में ऊन क्या पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है, यानी कि जैसे ही ऊन गीली होने के बाद में पीली सी पड़ेगी सभी पशुओं में। वैसे अपन बात करें भेड़ों में ऊन उतारने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, शियरिंग कहते हैं। भेड़ों में ऊन उतारने की क्रिया को क्या कहते हैं, शियरिंग कहते हैं। हम पढ़ेंगे, ये पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे। तो भेड़ों में ऊन उतारने की क्रिया को क्या कहते हैं, शियरिंग कहते हैं। और जो शियरिंग की क्रिया है वो साल में दो बार करते हैं, यानी कि भेड़ों में ऊन उतारने का कार्य दो बार किया जाता है, और वर्षा ऋतु से पहले भेड़ों में ऊन को उतार लेना चाहिए। तो देखिए, कान छोटे होते हैं और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, नर्व मादा दोनों ही सींग रहित होते हैं, यानी कि हॉर्नलेस नस्ल है। जैसे आपने बकरी की जो नस्लें पढ़ी, जैसे बीटल नस्ल में क्या थी विशेषता, कि नर बकरों में क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। जैसे हमारी जमुना पारी थी, उसकी विशेषता क्या थी कि पिछली टांगों पर घने लंबे पाल पाए जाते हैं, कान गेड़ी गेड़ी के पेंडुलम की तरह लटके हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अलग अलग विशेषताएं थी, ऐसे ही भेड़ों की विशेषताएं भी अलग अलग, यानी कि इसमें नर और मादा दोनों में ही सींग नहीं है। इस नस्ल के रेवड़ में वार्षिक जीवित दर 90% है,
पहले थोड़ी देर पहले बताया था ना कि इसमें जो रेवड़ इसका जो झुंड है, इसका जो समूह है वो फ्लोक कहलाता है और उसमें जीवित रहने की क्षमता ज्यादा है क्योंकि इस पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही काफी अधिक है। इसके बाद नर के वजन की बात करें तो 28 से 35 किलोग्राम होता है, मादा के वजन की बात करें तो 25 से 30 किलोग्राम होता है। अब उत्पादन की बात करें, देखिए जनरली भेड़ को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है तो 1.5 से 2.3 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष प्रति भेड़ प्राप्त होती है। ठीक है, यहां पर क्या लगता, किलोग्राम शब्द और लगता है, यानी कि 1.5 से 2.3 केजी ऊन प्रति वर्ष प्रति भेड़ प्राप्त होती है, ये एक भेड़ से प्राप्त होती है। अपने में से राजस्थान का अपन औसत बात करें कि राजस्थान में औसत ऊन कितनी प्राप्त होती है, कोई पशु अधिक ऊन का उत्पादन करता है तो कोई कम करता है, यानी कि 1.2 केजी औसत आता है राजस्थान में ऊन का एक भेड़ से। दूसरी जो नस्ल है वो है जैसलमेरी नस्ल। उत्पत्ति स्थल नाम से प्रतीत हो रहा है कि राजस्थान का जैसलमेर जिला होगा, तो ये राजस्थान में जैसलमेर जोधपुर और बाड़मेर जिले में पाई जाती है। ये पूर्णतया रेगिस्तानी नस्ल है। इसके बाद में बात करें, चेहरा काला व भूरा होता है, चेहरा काला या भूरे रंग का होता है, कान लंबे और खंभदार होते हैं, खंभे नुमाया कि लटके हुए, बिल्कुल स्ट्रेट लटके हुए, सीधे लटके हुए होते हैं, खंभदार होते हैं, भेड़ की हष्ट पुष्ट नस्ल है और अकाल के दिनों व विपरीत परिस्थितियों में बिना पानी पिए 3 से 4 दिन तक रह सकती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया कि ये पूर्णतया रेगिस्तानी नस्ल है। ऐसे ही हमने गाय की नस्ल पढ़ी थी, गाय की नस्ल भी थी कि ये गाय के वह कौन सी नस्ल है राजस्थान की परिस्थितियों में पालने के लिए उपयुक्त, वो कौन सी थी, कांग्रेज नो सॉरी थारपारकर थी। थारपारकर नस्ल के पशु को राजस्थान में आसानी से पाला जा सकता है। ऐसे ही भेड़ की जो अच्छी नस्ल है वो कौन सी है राजस्थान की परिस्थितियों के लिए, वो जैसलमेरी है। इसके बाद में नर के वेट की बात करें तो 32 से 45 किलोग्राम, मादा की बात करें तो 30 से 40 किलोग्राम, ऊन उत्पादन की बात करें 1.8 से 3.2 किलोग्राम प्रति भेड़ प्रति वर्ष। इसके बाद में जो तीसरी नस्ल है चोपला, इसे राजस्थान तथा भारत की क्या कहा गया है, मेरिनो कहा गया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल है। तो देखिए चोपला शेखावाटी की है, शेखावाटी की नस्ल है, तो चोपला को शेखावाटी में किस नाम से जानते हैं, छापर के नाम से जानते हैं, इसे शेखावाटी में छापर के नाम से भी जानते हैं और भारत व राजस्थान की क्या कहा गया है, मेरिनो कहा गया है, इसे भारत व राजस्थान की मेरिनो कहा गया है, जबकि जो भेड़ की जो मेरिनो नस्ल है वो कहां की है, मेरिनो जो नस्ल है वो स्पेन की है, स्पेन की नस्ल है जो सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन करे, विश्व में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन देने वाली भेड़ की नस्ल है, सबसे महीन और उच्च क्वालिटी की ऊन देने वाली नस्ल है, यानी कि ऊन जितनी महीन यानी कि जितनी बारीक होगी उतनी उच्च क्वालिटी की मानी जाती है, ऊन जितनी ज्यादा मोटी होती है उतनी ही वो घटिया क्वालिटी की मानी जाती है। तो ये विश्व में सबसे ज्यादा ऊन देने वाली नस्ल है, मेरिनो कहां की है, स्पेन की है, और ये 5 से लेकर के 9 किलोग्राम प्रति भेड़ प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन करती है, यानी कि ये नस्ल पूरे विश्व का 80% ऊन का उत्पादन अकेली नस्ल ही करती है, 80% ऊन का उत्पादन केवल मेरिनो नस्ल के पशु ही करते हैं। लेकिन हमारे भारत में सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है, चोकला है, इसलिए इसको भारत व राजस्थान की क्या कहा गया है, मेरिनो कहा गया है, और शेखावाटी में इसे छापर कहा गया है। उत्पत्ति स्थल की बात करें, ओरिजिन प्लेस की, तो यह राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र होगा जिसमें चूरू सीकर झुंझुनू शामिल है। तो देखिए उत्पत्ति स्थल राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र है, तो राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू को कहा जाता है। जैसे मैंने मेवात क्षेत्र पढ़ा था, मेवात अलवर भरतपुर था, अलवर भरतपुर जैसे अभी मारवाड़ पढ़ा था, इसमें सिरोही पाली जोधपुर बाड़मेर शामिल थे। ठीक है, ऐसे ही इसे राजस्थान और भारत की क्या कहा गया है, मेरिनो कहा गया है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद में
सफेद रंग की भेड़ का मुंह भूरा व काला होता है, लेकिन 10% भेड़े ऐसी होगी जिनका मुंह सफेद होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुंह, इस भेड़ का मुंह काला या भूरा होता है, लेकिन जो 10% जो पशु होंगे उनका मुंह सफेद रंग का होता है। यानी कि 90 भेड़े काले भूरे मुंह की हो सकती है, लेकिन 10% का जो मुंह होता है वो बिल्कुल सफेद होता है। ठीक है, इसके बाद में इस नस्ल के मेमनों की मृत्यु दर ज्यादा होती है, यानी कि इसका जो मेमना होता है, जो नवजात जो बछड़ा होता है वो क्या कहलाता है, मेमना कहलाता है, और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, अपन लैम्ब बोलते हैं, जबकि भेड़ों का समूह अभी क्या बताया था, फ्लॉक कहलाता है, भेड़ों का झुंड फ्लॉक कहलाता है, मुर्गियों का झुंड फ्लॉक कहलाता है। नर और मादा दोनों ही सींग रहित होते हैं, नर और मादा दोनों में सींग नहीं पाए जाते, शरीर मध्यम आकार का और वर्गाकार होता है। इसे शेखावाटी में किस नाम से जानते हैं, छापर के नाम से जानते हैं। नर का वजन 30 से 40 किलोग्राम है, मादा का वजन 24 से 32 किलोग्राम है। ऊन उत्पादन की बात करें तो 1.5 से 2.5 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष प्रति भेड़ देती है। अगली नस्ल की बात करें अपन मालपुरा, तो मालपुरा उत्पत्ति स्थल क्या होगा, राजस्थान का टोंक जिला, मालपुरा टोंक स्वयं माधोपुर जयपुर जिला इसको उत्पत्ति स्थल माना गया है ना, तो मालपुरा टोंक इसका उत्पत्ति स्थल माना गया है, क्योंकि मालपुरा टोंक में आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट खोला गया है, जिसका नाम क्या है, CSWRI सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी कि मैं बकरी की नस्लों में बताया था कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक में खोला गया है। यहां से भेड़ की कई नस्लें विकसित की गई, जैसे अविवस्त्र है, अविकालीन है, मालपुरा है। तो देखिए, इसकी इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की गई थी वो 1962 में की गई थी, 1962 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था मालपुरा टोंक में अविकानगर में। तो सेंट्रल सीप एंड वूल इंस्टीट्यूट ये आपका मालपुरा टोंक में अविकानगर में स्थित है, स्थापना 1962 में की गई थी। तो इस नस्ल का भी उत्पत्ति स्थल मालपुरा टोंक ही होगा। आगे इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, तो ये मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, मैदानी क्षेत्रों में भी आराम से पाला जा सकता है, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी इस नस्ल को पाला जा सकता है। लेकिन इसमें क्या खराबी है कि ऊन मोटी है, ऊन मोटी होने के कारण निम्न श्रेणी के ऊन से नमदे व गलीचे ही बनाए जाते हैं। यानी कि ऊन जितनी पतली या जितनी बारीक होगी उतनी ही उच्च क्वालिटी की होगी, तो वो आपकी मेरिनो से और चोकला से प्राप्त होती है। इसके बाद भी देखिए, मालपुरा टोंक में अधिक पाई जाती है, क्योंकि इसका उद्गम स्थल मालपुरा टोंक है। CSWRI की बात हो चुकी है कि केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान जो मालपुरा टोंक में विकसित है, मालपुरा टोंक में स्थित है, ये तो यहां पर सर्वाधिक पाई जाती है। मुंह पैर और पेट पर ऊन नहीं होती, यानी कि जिसके पैर है, जो चेहरा है और जो पेट का जो भाग है वहां पर ऊन नहीं पाई जाती, यानी कि जो नीचे वाला जो भाग होगा पैरों के बीच वाला वहां पर ऊन नहीं पाई जाती, बाकी शरीर पर ऊन होती है। ठीक है, तो ऐसे में समझ लेना कि पूरी ही नस्ल पर ऊन नहीं होगी, यानी कि मुंह पर पैर पर और पेट पर ऊन नहीं पाई जाती। नर और मादा दोनों ही सींग रहित होते हैं, शरीर गठीला होता है, यानी कि छोटे आकार की नस्ल है। ऊन उत्पादन की बात करें तो 1.1 से 1.6 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष प्रति भेड़ देती है। अगली नस्ल की बात करें बीकानेरी, तो उद्गम स्थल नाम से ही प्रतीत होगा, राजस्थान का कौन सा जिला होगा, बीकानेर जिला होगा। बीकानेरी में से और किसकी नस्ल आएगी, पशु कौन, किस पशु की नस्ल भी आएगी, ऊंट की नस्ल भी है बीकानेरी। तो देखिए, इसे क्या बनाए जाते हैं, कारपेट, यानी कि कालीन बनाने के काम में आती है। अगली नस्ल है सोनाड़ी, सोनाड़ी का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सोनाड़ी की जो विशेषता है, सबसे लंबे कान है इसके, भेड़ की नस्लों में
सबसे लंबे कान पाए जाते हैं, यानी कि इसके कान सबसे लंबे लटके हुए कान होते हैं और जमीन को छू जाते हैं, यानी कि जब ये चरती है या पानी पीती है तो जमीन को छू जाते हैं, इतने लंबे कान होते हैं। इसलिए इस भेड़ को और क्या कहा गया है, चनोथर कहा गया है, इसे चनोथर या चरणोथर कहा गया है। तो ध्यान रखना, चनोथर या चरणोथर कहा गया है। जबकि छापर के नाम से कौन सी नस्ल को जानते हैं, छापर के नाम से चोपला को, छापर के नाम से किसको जानते हैं, चोपला को जानते हैं, शेखावाटी में इसको छापर कहते हैं। लेकिन हमारी जो सोनाड़ी नस्ल के जो पशु हैं, इनको चनोथर कहा गया है, क्योंकि सबसे लंबे लटके हुए कान होते हैं। जब इस नस्ल के पशु चरते हैं या पानी पीते हैं उस समय मर्दा को सट जाते हैं, यानी कि टच हो जाते हैं मर्दा से। तो ये राजस्थान में उदयपुर और कोटा संभाग में ज्यादा पाए जाते हैं, यानी उदयपुर संभाग और कोटा संभाग में इस नस्ल के पशु सर्वाधिक पाए जाते हैं। और ये नस्ल कैसी है, त्रिकाजी नस्ल है, त्रिकाजी नस्ल है। यानी हमने द्विकाजी पढ़ी थी, द्विकाजी तो ज्यादातर मांस उत्पादन के लिए और ऊन उत्पादन के लिए, लेकिन इस नस्ल से दूध भी प्राप्त करते हैं, मांस भी लेते हैं और उनका उत्पादन भी लेते हैं। ये एकमात्र भेड़ की नस्ल है जो त्रिकाजी है। हमने द्विकाजी गाय भैंस की नस्लें पढ़ ली होगी, है ना, भेड़ बकरी भी पढ़ ली होगी, लेकिन ये यहां पर कौन सी नस्ल है, ट्रिपल पर्पज वाली है, तो त्रिकाजी नस्ल है। चरते समय वह पानी पीते समय, देखिए यहां पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, चरते समय या पानी पीते समय, चरते समय या पानी पीते समय कान भूमि से सट जाते हैं, यानी कि टच हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, इसलिए इसे चरणोथर, यहां पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि चरणोथर, इसे चरणोथर या फिर आप इसको लिख सकते हो चनोथर, एक ही बात है, चरणोथर या चनोथर कहते हैं, ठीक है, चरणोथर या चनोथर कहते हैं। भेड़ की नस्लों में सबसे लंबे कान होते हैं। एक तो आपको यही ध्यान रखना है कि इसके सबसे लंबे कान हैं, इस नस्ल के सबसे लंबे लटकते कान पाए जाते हैं। सबसे लंबे लटकते कान कौन सी नस्ल के हैं, सोनाड़ी के हैं, जो उदयपुर और कोटा संभाग में इस नस्ल के पशु सर्वाधिक पाए जाते हैं। उदयपुर और कोटा संभाग में सोनाड़ी नस्ल के पशु सर्वाधिक पाए जाते हैं। भेड़ की त्रिकाजी नस्ल है, ये थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी, पॉइंट है, त्रिकाजी नस्ल है। अगली नस्ल है अविवस्त्र। अविवस्त्र की बात करें तो देखिए इसे डेवलप किया गया है CSWRI से। CSWRI तो आपका अभी का नगर मालपुर टोंक में स्थित है, CSWRI से विकसित है। इसके संकरण की अगर बात करें तो रेम्बुलेट नस्ल के मेरिनो मेडो इंटू चोपला के संकरण से केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान मालपुर टोंक से विकसित किया गया है। यानी कि अविवस्त्र को जो डेवलप किया गया है वो किससे कहा किया गया है, मेरिनो इंटू चोपला, मेरिनो इंटू चोपला, इन दोनों के संकरण से तैयार किया गया है अविवस्त्र को। अविवस्त्र को तैयार किया गया था तो इसको आपको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, MCA याद कर लेना। ये जो तरीका है, जो ट्रिक रहेगी, वो MCA रहेगी, यानी कि मेरिनो इंटू चोपला से कौन सी नस्ल को तैयार किया गया है, अविवस्त्र को तैयार किया गया है। ऐसे ही अविकालीन आएगी, लेकिन उसको याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MMA, वो भी यहीं से डेवलप की गई है, CSWRI से ही इसको डेवलप किया गया है, दोनों को यहीं से डेवलप किया गया है, और ये तो इन दोनों में से भी सुपरवाइजरी में भी क्यों रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, मेरिनो इंटू मालपुरा, मेरिनो इंटू मालपुरा आते ही हमारी कौन सी नस्ल हो जाएगी, अविकालीन हो जाएगी। और शायद यही अभी सुपरवाइजर भी पूछी गई थी कि अविकालीन किस पशु की नस्ल है, तो ये भेड़ की नस्ल है, इसे भी CSWRI से ही डेवलप किया गया है। मेमनों की वार्षिक पैदा दर 93.27% होती है, यानी कि इसका जो नवजात होता है, जो नवजात जो बचड़ा होता है वो लैम यानी कि मेमना कहलाता है। तो मेमनों की जो वार्षिक पैदाइशी दर है वो कितनी, 93.27% होती है।
ऊन उत्पादन की बात करें तो 2 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति भेड़ ऊन का उत्पादन होता है। अभिकालीन का उद्गम स्थल की बात करें तो इसको वही CSWR मालपुर टोंक से डेवलप किया गया, अभिका नगर से जो हमारे CSWR आ रही है, तो उत्पत्ति स्थल अभिका नगर टोंक। इसे रेमुलेट नस्ल के मेरिनो मेडो, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, मेरिनो मेडो इंटू, यहाँ पर इंटू का निशान आएगा, इंटू मालपुरा। यानी मैंने बताया था ना अभी कि इसको याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MMA, यानी कि उसमें MCA था, यानी कि मेरिनो इंटू मालपुरा इजकल टू अभिकालीन। MCA से हम कौन सी मानेंगे, MCA से हम मानेंगे अभिवस्त्र, ठीक है, अभिवस्त्र हो जाएगा। तो CSWR से डेवलप किए गए मेमो की वार्षिक पैदा दर 81.47% है, जबकि उसमें कितना था, 93.27% था, यहां पर 81.47% है उसकी वार्षिक पैदाइश दर अधिक है, लेकिन इस नस्ल में टपिंग परसेंटेज जो है 97.95% होता है। टपिंग का क्वेश्चन भी शायद अभी सुपरवाइजर में आपके जेट के क्वेश्चन जेट के पेपर में पूछा गया था कि भेड़ो में, शायद पिछली बार आपके तो जेट में या सुपरवाइजर में कंफर्म ये क्वेश्चन आया था, तो भेड़ो में जेट में ही पूछा गया था 2019 वाले पेपर में, भेड़ो में समागम क्रिया कहलाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी पिछले साल वाले जेट के पेपर में कि भेड़ों में समागम क्रिया क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो भेड़ों में समागम क्रिया का आंसर हमारा क्या होता, टपिंग होता। क्या कहलाती है भेड़ों में समागम क्रिया, टपिंग। अब देखिए आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि टपिंग क्या होता है, तो टपिंग का अर्थ होता है प्रजनन क्रिया, यानी कि नर मादा के मिलने की जो क्रिया होती है वो टपिंग कहलाती है। ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, पशुओं में सामान्य संबंध के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो भेड़ों में टपिंग क्रिया क्या कहलाती है, सॉरी भेड़ों में नर और मादा की जो प्रजनन क्रिया, नर और मादा के मिलने की जो क्रिया है वो टपिंग कहलाती है। वो टपिंग कितना होता है, 97.95% होता है। जैसे अपन भेड़ की बकरी की बात करें, बकरी में सर्विंग कहलाती है, भैंस में सर्विंग कहलाती है, गाय में सर्विंग कहलाती है, ठीक है। तो सभी में अलग अलग होती है नर और मादा के मिलने की क्रिया, है ना। तो यहाँ पर भेड़ों में टपिंग कहलाती है, और टपिंग परसेंटेज कितना है, 97.95% है। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है टपिंग वाला, ठीक है। तो भेड़ों में समागम क्रिया टपिंग कहलाती है, नर और मादा के मिलने की क्रिया टपिंग कहलाती है। इसके बाद में इस नस्ल अभिकालीन की जो नस्ल की जो भेड़ से ऊन प्राप्त होते हैं उससे क्या बनाए जाते हैं, कालीन्स बनाए जाते हैं। ऊन उत्पादन 2.5 kg है प्रति वर्ष प्रति भेड़। अगली नस्ल है मेरिनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है, थोड़ी देर पहले ही बात की थी, है ना। स्पेन की नस्ल है, विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाली नस्ल, यानी कि 80% ऊन देती है। और अगर एक पशु से बात करें तो 5 से 9 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष प्रति भेड़ प्राप्त होता है। हष्टपुष्ट नस्लें काफी वजनदार होती है, यानी जो नर का वजन होता है वो 90 किलोग्राम होता है, मादा का 60 से 70 किलोग्राम तक होता है, और इसकी जो गर्दन है वहां पर झुर्रियां पाई जाती है, सलवटे पाए जाते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं। तो देखिए इस नस्ल के सामान्य पॉइंटों की बात करें, उत्पत्ति स्थल स्पेन होगा, ये स्पेन की नस्ल धार किएगा, विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इस नस्ल से उच्च क्वालिटी की उत्तम श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है, बिल्कुल बारीक और महीन ऊन प्राप्त होती है। विश्व के 80% ऊन का उत्पादन केवल एक ही पशु कर देता है, एक ही नस्ल से हो जाता है, वो कौन सी है, मेरिनो। मजबूत प्रकृति की नस्ल है, नर में सींग घुमावदार और मादा सींग रहित होती है, यानी कि इसके नर में तो सींग पाए जाते हैं, और वो भी कैसे होते हैं, घुमावदार होते हैं, घूमे हुए होते हैं, और मादा कैसी होती है, हॉर्नलेस होती है, इसमें सींग नहीं पाए जाते। शरीर का रंग सफेद होता है। इस नस्ल से उच्च क्वालिटी की महीन ऊन प्राप्त होती है, यानी कि बहुत ही महीन ऊन प्राप्त होती है, उच्च क्वालिटी की है, ठीक है। इसके बाद में पशु की गर्दन तथा कंधों की त्वचा में झुर्रियां या सलवटें पाई जाती है,
यानी कि फोल्ड पाए जाते हैं, सर्वटो या झुरियां पाई जाती है, क्योंकि काफी हष्ट पुष्ट नस्ल है। तो देखिए नर का वजन 90 किलोग्राम है, अपने वाली जो नस्ल थी देसी नस्ल की जो नस्ल थी वो 40 किलोग्राम है, 33 किलोग्राम है, तो 28-29 किलोग्राम की नस्लें आ रही थी। मादा का वजन 70 किलोग्राम होता है। ऊन उत्पादन की बात करें तो 5 से 9 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष प्रति भेड़ प्राप्त होता है। अगली नस्ल भी काफी इंपॉर्टेंट है, कराकुल। कराकुल कहां की नस्ल है? मध्य एशिया की है। इसका उत्पत्ति स्थल क्या हो जाएगा? मध्य एशिया। मध्य एशिया की नस्ल है, लेकिन इस नस्ल से हमें क्या प्राप्त होता है? इस नस्ल का यही पॉइंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, पेल्ट। इस नस्ल से क्या प्राप्त करते हैं? पेल्ट। पेल्ट को बोलते हैं गुंगराली ऊन। गुंगराली ऊन प्राप्त करते हैं, यानी कि जब इस नस्ल के मेमने कम उम्र के होते हैं, नवजात जो मेमने होते हैं वो 4-5 महीने 5-6 महीने के होते हैं, 5 से 6 माह मान लो, 5 से 6 माह की उम्र में इन मेमनों को कम उम्र में ही मार दिया जाता है और उनसे हम क्या प्राप्त करते हैं? पेल्ट प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि भेड़ की किस नस्ल से पेल्ट प्राप्त होता है, और पेल्ट अंग्रेजी का वर्ड है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गुंगराली ऊन बोलते हैं। मैंने पढ़ाया था कि मोरक्को लेदर किससे प्राप्त होता है। मोरक्को लेदर की अगर बात करें, मोरक्को लेदर तो किससे प्राप्त होता है? ये बकरी से प्राप्त होता है। अरे बकरी से हमने पढ़ा था कि मोहेर प्राप्त होते हैं, है ना, मोहेर पढ़ा था, और क्या नाम था, पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। तो ऐसे ही इस नस्ल से क्या प्राप्त करते हैं? पेल्ट प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, इसके नवजात जो मेमने होते हैं उन्हें 5 से 6 माह की उम्र में मार दिया जाता है और पेल्ट के लिए उन्हें तैयार करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और कोई खास क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो उत्पत्ति स्थल मध्य एशिया हो गया है। नर में सींग व मादा सींग रहित होती है। इस नस्ल से पेल्ट यानी कि गुंगराली ऊन प्राप्त होती है। आपको दिमाग में यही रखना है कि पेल्ट कौन सी नस्ल से प्राप्त होती है। तो पेल्ट प्राप्त होती है कराकुल से। मांस के लिए उपयुक्त है। नर का वजन 90 kg और मादा 70 किलोग्राम की होती है। अगली नस्ल अपनी डेकानी। तो देखिए डेकानी के बारे में बात करें तो इस नस्ल को केवल और केवल मांस उत्पादन के लिए ही पालते हैं। अगली नस्ल होगी लोही। ये भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। जैसे अपन बात करें कि बकरी की नस्ल जब हमने पढ़ी थी तो बकरी की नस्लों में भारतीय बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी थी? तो भारतीय बकरियों में जो सबसे बड़ी नस्ल आई थी वो अपनी जमुनापारी आई थी, जो इटावा उत्तर प्रदेश की नस्ल थी। ऐसे ही भेड़ की जो सबसे ऊंची नस्ल की अपन बात करें तो वो लोही होगी। मांड्या इसे चक्री के नाम से भी जानते हैं, ये कर्नाटक की नस्ल है, ठीक है। इसके शरीर का रंग सफेद होता है, इसे ऊन के लिए भी पालते हैं। साहावाड़ी ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की नस्ल है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की नस्ल है, ऊन के लिए इसको पाला जाता है, ऊन उत्पादन के लिए इसे पालते हैं। हिसारडेल, हिसारडेल का जो संकरण है वो थोड़ा ध्यान रखना, बीकानेरी इंटू मेरिनो, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यानी बीकानेरी इंटू मेरिनो नस्लों के संकरण से कौन सी नस्ल डेवलप की गई है? हिसारडेल डेवलप की गई है। फिर है रेम्बुलेट। रेम्बुलेट की बात करें तो ये भेड़ की द्विकाजी नस्ल है, यानी कि ऊन और मांस दोनों के लिए इसको पालते हैं। कोरिडेल के संकरण की बात करें, सॉरी उत्पत्ति स्थल की, तो उत्पत्ति स्थल न्यूजीलैंड है और इसे निकोलन नस्ल के नर मेडो व मेरिनो के संकरण से तैयार किया गया है। तो इसका क्रॉस का थोड़ा ध्यान रखना कि निकोलन इंटू मेरिनो नस्ल के संकरण से कौन सी नस्ल डेवलप की गई है, तो वो कौन सी हो जाएगी? अपनी मेरिनो हो जाएगी, जबकि बीकानेरी इंटू मेरिनो नस्ल के संकरण से हिसारडेल को डेवलप किया गया है। हमने पढ़ा MCA यानी मेरिनो इंटू चोकला के संकरण से कौन सी थी? अभिवस्त्र थी। फिर हमने पढ़ा MMA यानी कि मेरिनो इंटू मालपुरा, इन दोनों के संकरण से अभिकालीन नस्ल को तैयार किया गया था। अगली नस्ल है नाली। नाली नस्ल की जो भेड़ है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में पाई जाती है।
हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में पाई जाती है। देखिए जो नाली जो शब्द है, अपन बात करें जो गग्गर जो नदी राजस्थान में बहती है, तो गग्गर नदी का पार्ट भी नाली ही कहलाता है। ये क्वेश्चन जीके में 2012 वाले पेपर में पूछा गया था, अपन उससे कोई लेना नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि नाली एक भेड़ की नस्ल है और ये गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। इसके कान बड़े पेड़ की पत्ती के समान होते हैं, यानी कि गाय की एक ऐसी नस्ल हमने पढ़ी थी जिसके कान पेड़ की पत्ती के समान लटके हुए होते हैं, तो वो गिर नस्ल थी। वो गिर नस्ल की थी वो, है ना, तो गुजरात की थी, है ना, काठियावाड़ गुजरात के गिरवन में सर्वाधिक पाई जाती है। ऐसे ही इसके कान पेड़ की पत्ती के समान है। अब भेड़ की नस्लों में बात करें, भेड़ की वो कौन सी नस्ल है जिसके कान सबसे लंबे और लटके हुए होते हैं, तो वो सोनाड़ी होगी। सबसे लंबे और लटके हुए कान सोनाड़ी के होंगे, लेकिन इसके कान बड़े होते हैं और पेड़ की पत्ती के समान होते हैं, लेकिन भेड़ की नस्ल में सबसे बड़े कान सोनाड़ी के ही होते हैं। और सोनाड़ी एक त्रिकाजी नस्ल है, यानी कि जो सोनाड़ी की नस्ल है वो चरते समय पानी पीते समय उसके कान मर्द से अड़ जाते हैं, सट जाते हैं, है ना, छू जाते हैं, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, चरणोथर या चरणोथर के नाम से जानते हैं। गद्दी, इसका क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। गद्दी एक भेड़ की नस्ल है और इसे भाकरवा या भादरवा के नाम से भी जानते हैं। तो कोटा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पेपर लगा था उसमें यही पूछा गया था कि गद्दी नस्ल का दूसरा नाम क्या है या गद्दी नस्ल का और क्या नाम हो सकता है, तो वो भाकरवा है या भादरवा होगा। अब आप करें कि भेड़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो रह गए हैं कि भेड़ अनुसंधान संस्थान कहां पर है, भेड़ प्रजनन संस्थान कहां पर है, कितना ऊन उत्पादन भारत करता है, राजस्थान में कौन क्या करता है, कौन सा जिला ऊन ऐसे की ऊन मंडी कहां पर है, ऊन विकास बोर्ड कहां है, ऊन विश्लेषण संस्थान कहां है, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है, भारत की कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक योगदान है, यानी कि हमारा राजस्थान राज्य, हमारा राजस्थान राज्य अकेला ही भारत में जितनी भी ऊन उत्पादित होती है, यानी कि 100 किलोग्राम सभी राज्य मिलकर के ऊन का उत्पादन करते हैं, तो इसमें से 40 किलोग्राम ऊन तो हमारा अकेला राजस्थान ही करता है, यानी कि भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान होगा। लेकिन हमारे राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा था, जोधपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला जोधपुर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है, जो भारत की कुल ऊन का 40% उत्पादन अकेला ही करता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादित करने वाला जिला जोधपुर आ गया है। फिर बात करिए भेड़ों के लिए जलवायु, शुष्क और शीतोष्ण जलवायु भेड़ों के लिए कैसी रहती है, उपयुक्त रहती है। भेड़ों में प्रजनन ऋतुमय होता है ना, ऋतुमय होता है, ऋतु आने पर ही होगा। भेड़ एक पॉलिएस्टर पशु है, भेड़ को पॉलिएस्टर पशु की संज्ञा दी गई है, यानी कि भेड़ के मरने के बाद भी इसके ऊन को उतार लेते हैं, यानी कि भेड़ के सभी अंगों को काम में लेते हैं। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा गया है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी भेड़ का एक महत्वपूर्ण योगदान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा। तो देखिए अगला पॉइंट होगा, भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा गया, ये क्वेश्चन सुपरवाइजर 2012 वाले पेपर में पूछा गया था, परजीवियों का संग्रहालय कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक भेड़े ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़े बाड़मेर में पाई जाती है, और न्यूनतम कहां पर होगी, धौलपुर में होगी। फिर भेड़ों में ऊन उतारने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, शियरिंग कहते हैं। वर्षा ऋतु से पहले उतार लेनी चाहिए और शियरिंग की क्रिया साल में 2 बार करनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि भेड़ों में ऊन उतारने की क्रिया को शियरिंग कहते हैं और ऊन को वर्षा ऋतु से पहले उतारना चाहिए, है ना। वर्षा ऋतु में जो गीली होकर के ऊन कैसी हो जाती है, पीली पड़ जाती है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, और वर्ष में 2 बार करना चाहिए। और देखिए जो मरी हुई भेड़ से जो ऊन उतारते हैं उसको कुल्ड कहते हैं, लिखा है मैंने आपको और इसमें आएगा। तो देखिए मरी हुई भेड़ से प्राप्त जो ऊन होती है उसको कुल्ड कहते हैं। इसके बाद में पश्चिमी राजस्थान का भेड़ अनुसंधान केंद्र बीकानेर में खोला गया है, कंफ्यूजन में तो जाना कहीं आप अविकानगर टोंक कर दो, ये पश्चिमी राजस्थान का भेड़ अनुसंधान केंद्र है। मैंने बकरी पढ़ाई थी उस दिन भी बताया था कि पश्चिमी राजस्थान का अगर भेड़ की जगह बकरी आता है ना, लाइन ऐसी की ऐसी रहेगी, पश्चिमी राजस्थान का बकरी अनुसंधान केंद्र, तो वो कहां पर बताया था आपको, अविकानगर में, वो अविकानगर टोंक में था, ठीक है, ये ध्यान रखना। जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान तो हमने मखदूम उत्तर प्रदेश में पढ़ा है,
केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में मखदुम यूपी में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पश्चिमी राजस्थान का बकरी अनुसंधान संस्थान, ये अविकानगर टोंक में खोला गया है, जबकि भेड़ का कहाँ पर खोला गया है, बीकानेर में खोला गया है। हमने फिर पढ़ा था बकरी में कि बकरी और चारा अनुसंधान संस्थान वो रामसर अजमेर में था, ठीक है। भेड़ की अपन बात करिए CSWRI, तो CSWRI भी आपका अविकानगर टोंक में ही है, ठीक है। यह CSWRI यानी कि इसका पूरा नाम तो क्या था, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं पश्चिमी राजस्थान का भेड़ अनुसंधान संस्थान, तो वो बीकानेर में खोला गया था। राजस्थान की एकमात्र ऊन मंडी बीकानेर में, यानी कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां खोली गई है, बीकानेर में ही खोली गई है। अपन दूसरे शब्दों में बात करें तो इसको ऐसे भी आप कह सकते हो कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, और वो कहां पर है, बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। ऊन विश्लेषण संस्थान बीकानेर में है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड या केंद्रीय ऊन विकास केंद्र आपका जोधपुर में, जबकि ऊन विश्लेषण संस्थान कहां पर है, बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी या एशिया की एकमात्र ऊन मंडी कहां पर है, बीकानेर में है। राजस्थान में प्रति भेड़ औसत ऊन उत्पादन 1.2 किलोग्राम है ना, कोई भेड़ ज्यादा उत्पादन करती है, कोई भेड़ का उत्पादन स्तर कम है, तो औसत की अपन बात करें तो लगभग सभी भेड़ों से 1.2 किलोग्राम ऊन प्रतिवर्ष प्रति भेड़ प्राप्त हो जाता है। भेड़ों में स्टिप लेम जो रोग है वो विटामिन ई की कमी से होता है, जो नवजात बछड़ा होता है उसका शरीर से कठोर से दुबला पतला से होता है, वो विटामिन ई की कमी से होता है। भेड़ का समूह क्या कहलाता है, फ्लॉक कहलाता है, जो आपकी पिछली बार ही जेट में पूछा गया था कि भेड़ों का समूह क्या कहलाता है, भेड़ों का झुंड क्या कहलाता है, फ्लॉक कहलाता है। ऊन में जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का नाम क्या है, क्रिएटिन है। जैसे हमने बकरी में पढ़ा था कि बकरी के दूध में जो महक आती है वो कैप्री गमल के कारण आती है, और कैप्री गमल सींगों के पास पाया जाता है, तो ऐसे ही उनकी जो प्रोटीन है, यानी कि जो इसके ऊन होते हैं वो तंतु में धागे तो होते हैं, प्रोटीन के तंतु में धागे होते हैं, तो ये प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि प्रोटीन कौन सी होगी, क्रिएटिन। फिर काफी इंपोर्टेंट अपना केंद्र है भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर में खोला गया है, ध्यान रखना। भेड़ प्रजनन, जैसे हमने भैंस प्रजनन संस्थान कहां पढ़ा था, भैंस प्रजनन केंद्र वो हमने वल्लभ नगर उदयपुर में पढ़ा था, ऐसे ही केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म। फार्म शब्द आते ही हमारे कहां पर चला जाएगा, ये हिसार हरियाणा में कन्फ्यूजन करेगा, तो भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर में है, लेकिन केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार हरियाणा में है। हिसार हरियाणा में हमने एक इंस्टीट्यूट पढ़ा था, कौन सा, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भी हिसार हरियाणा में ही खोला गया है। भेड़ के दूध में क्लोराइड आयंस की अधिकता पाई जाती है, जबकि सही रोगियों के लिए, टीबी के रोगियों के लिए कौन सा दूध था जो सारे प्रकृति का था, वो बकरी का दूध था। बकरी का दूध टीबी के रोगियों के लिए, टीबी रोगियों के लिए, सही रोगियों के लिए लाभदायक होता है, ऐसे ही भेड़ के दूध में क्लोराइड आयन की क्या होती है, अधिकता होती है। पश्चिमी राजस्थान का भेड़ अनुसंधान केंद्र बीकानेर में खोला गया है, ये पहले देख लिया हमने।